हसरत है हमारी बाबा पर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। इस समय भी योग का
बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोराप की ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों ओम शांति ओम शांति दुआएं दो दुआएं लो क्षमा करो रहम दिल बनो वर्तमान समय प्रमाण क्षमा करना ही शिक्षा देना है जैसे शिक्षक बनना बहुत सहज है ऐसे क्षमा करो रहम दिल बनो सिर्फ शिक्षक नहीं बनो जब अभी से क्षमा करने का संस्कार धारण करेंगे तब ही दुआएं और ले सकेंगे ओम शांति आप सबका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है आज डे 5 है दुआएं देना है दुआएं लेना है आज का टॉपिक है अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे ओम शांति सबको ओम शांति आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा सब खुश लग रहे हैं सारे संपूर्णता संपूर्ण कंटेंट लग रहे हैं बाबा ने हमारे को गृह कार्य दिया है हम सोचते हैं हम समझते हैं बहुत सारे सवाल उठते हैं मन में मेरे लिए तो उठते हैं कम से कम जिस तरीके से बाबा कह रहे हैं उस तरीके से समझना है बाबा कहते हैं माफ करना है क्या मैं रहम दिल होकर के माफ कर सकती हूँ या माफ करके रहम दिल होती हूँ हम दोनों को हम माफ कर सकते हैं और दिल फिर स्वयं ही मर्सीफुल बन जाएगा हम लोग पहले रहम दिल हो सकते हैं और फिर माफ कर सकते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी समय प्रमाण माफ करना वो है टीचिंग्स देना वो है पढ़ाना एक तरीके से और एक और पॉइंट है अगर मैं चाहती हूँ कि कोई सीखे उनको क्या सिखाया गया है तो फिर उनको आपको माफ करना होगा शिक्षक होना आसान है परंतु शिक्षक होना आसान है अब क्षमा करने के संस्कार धारण करो
वो भी एक धारणा हो सकती है, धारणा कुड बी आई फॉरगिव, और धारणा ये हो सकती है कि मैं माफ करती हूँ, एंड देन अदर पर्सन लर्न्स, और फिर दूसरा व्यक्ति सीखता है, व्हाट अदर पर्सन लर्न्स, और दूसरा क्या सीखता है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत रोमांचक बात है, दैट मींस इफ आई एम होल्डिंग समथिंग, अगर मैं कुछ पकड़ रखी हूँ किसी और की तरफ, आई एम होल्डिंग द वीकनेस, मैं फिर उसकी कमजोरी पकड़ के बैठी हूँ, दैट पर्सन वांट्स लर्न, आई रिमेंबर वन टाइम बाबा सेड, मुझे याद है एक बार बाबा ने कहा था, हैव टेकन इन योर हार्ट समवन संस्कार्स, अगर सोल विल नॉट टेक सस्टेनेंस फ्रॉम यू, आपसे वो आत्मा पालना फिर नहीं लेगी, दैट मीन देयर हैज टू बी दैट प्योर लव, इसका मतलब वो बिल्कुल पवित्र स्नेह होना आवश्यक है, राइट अवेयरनेस, सही स्मृति, आत्मा देही देही अभिमानी की, सोल कॉन्शियसनेस की सही स्मृति होनी चाहिए, और जो कुछ भी है फिर दूसरा इंसान भी सीखेगा, इट कुड बी लाइक सेम, वो एक तरीके से सेम हो सकता है, ये बहुत आसान है टीचर होना, और अब माफ करो और मर्सीफुल बनना है, रहम दिल बनना है, ऑन वन साइड वी हैव टू, एक तरफ हमारे को टू टीच टू टेल दैट पर्सन बी मर्सीफुल, रहम दिल बनो और माफ करो, क्या आसान है डिसिप्लिन को बनाना, आसान है, तो बाबा कह रहे हैं वो सिर्फ शिक्षक नहीं बनो, अगर आप सिर्फ अब धारण करते हैं संस्कार माफ करने की, फॉरगिवनेस के, तब वो भी एक दूसरा पॉइंट है, आपको संस्कार होने हैं, माफ करने के संस्कार होने चाहिए, तो फिर वो प्राकृतिक सहज रूप से नेचुरल होगा, अब माफ करने के संस्कारों को धारण करना है, आमतौर पे लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो एक समक्षता, एक आपकी कैपेसिटी लेना और देने की, तो उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना होगा ज्यादा, और आप देखते हैं आपका दिल कैसे रहम दिल बन जाएगा, आप देखेंगे दिल कैसा रहम दिल बनेगा, आप रिसीव कर पाएंगे, प्राप्ति कर पाएंगे उसकी, ओके, ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग मम्मी दीदी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी सी को कहा जा रहा है टीना बहन द्वारा, सारे परिवार को गुड इवनिंग, बहुत सुंदर पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बताया हिंदी सीरीज में कि आपने वर्णन किया, बहुत शक्तिशाली जिससे महसूस हुआ, अगर किसी को बार बार उसकी गलतियों के बारे में याद दिलाना, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देती हूँ, अगर एक एक आदमी ए है जो बार बार किसी को बता रहा है उसकी गलतियों को, बार 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 एक ही बात बता रहे हैं, और जो दूसरा इंसान है अगर एक बार उनको कहता है कि आपने मेरे को 10 बार ये बात बता दी है, तो जो दूसरा पर्सन है वो इसे वही मिस्टेक करता जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, जो एक पॉइंट बाबा ने कहा अगर आप माफ नहीं करते तो वो इंसान सीख नहीं पाएगा,
वो कोई सीख नहीं पाएगा। एक तरह एक वो उसका पहलू है, और दूसरा पॉइंट है जो दूसरा कह रहा है वो सही है, but he is also counting, right? That second person is also counting, right? Yeah, I know. Because he is not able to. मैं जानती हूँ क्योंकि वो उसको ले नहीं सकता, इसलिए वो अलग तरीका भी हो सकता है कहने का। वो इंसान याद दिलाएगा कि आप बार 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 वही बात दोहरा रहे हैं, तो सिर्फ कह सकते हैं आप एक बार मुझे बता चुके हैं, ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो आज आपने रिफ्लेक्शन सवाल जो दिया मुझे अच्छा लगा। पहले हमारे को रहम दिल होना होगा, फिर क्षमा करना है, या फिर क्षमा करके फिर रहम दिल बनना है। तो बाबा जो कह रहे थे वो बहुत शक्तिशाली था, मुझे पहली बार लगा इस चीज ने मुझे बहुत गुह्य रूप से टच किया। अगर आपको कोई गलत भी करता है, आपको कोई जेलसी और हेट्रेड और गुस्से की फीलिंग नहीं होगी अगर आप रहम दिल हैं। तो इस वैल्यू को इतनी ज्यादा महत्वता देना, कोई भी गलत फीलिंग्स हुए, ये सारी जो गलत भावनाएं हैं, तो फिर मुझे मर्सी रहम दिल को बढ़ाने में तो कैसे मैं उस क्या क्या मैं पुरुषार्थ करूं कि मैं अपनी रहम दिलता को बढ़ा सकूं। इसीलिए बाबा कहते हैं रहम दिल बनने के संस्कार बनाओ। रहम दिल अगर आप एक बार करते हैं, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं अपने दिल और अपनी स्मृति में, बहुत हल्का महसूस करते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार बाबा कहते हैं संस्कार बनाना दयावान होने के, उनको आप एक अपनी आदत के रूप में बनाएं और उसको ऑफन मतलब बार बार कीजिए, तब वो संस्कार बनेगा। तो सार में आप उसको इस्तेमाल कीजिए और आप उससे उसको बढ़ा रहे हैं, उसका संस्कार बना रहे हैं। दीदी जी ने कहा thing in the morning Baba was talking a lot about mercy. So one other thing that Baba, which we saw the clip also, Baba was talking about having this balance. हमने एक क्लिप जो देखी स्व के एफर्ट और सेवा। Am I allowed to copy you? क्या मैं आपको कॉपी करने के लिए अलाउड हूँ? मैं आपको देखती हूँ, in the position that you are, you're doing so much admin work. आप इतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती हैं, आप रोज क्लास देती हैं, आप मीटिंग्स करती हैं, आप जो भी विजिटर आते हैं उनका ख्याल करती हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं मैसेजेस, आप इतना कर रही हैं सेवा। मैं आपको सबसे अच्छे पुरुषार्थ करते हुए देखती हूँ। वो क्या चीज है? अगर मैं आपको कॉपी करूं तो मैं कर सकती हूँ, वो जो आपको मदद करती है बैलेंस रखने में, स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा में। क्योंकि दीदी जी का उत्तर है, क्योंकि हर एक चाहता है हम दें, चाहे जवाब, चाहे उसके सॉल्यूशन, चाहे शक्ति। अगर आप तभी दे सकते हैं जब आप रिसीव करते हैं स्वयं। पहले अपने आप को स्वयं को देना है, अगर नहीं तो अगर आप कोशिश भी करते हैं, मैं कोशिश कर रही हूं आज के पॉइंट पर, तो लोग समझते हैं, परंतु आपको बहुत बहुत सच्चा ऑनेस्ट होना होगा स्वयं से। मैं कह सकती हूँ कि मैं कुछ और मंथन कर सकती हूँ, सच्चे दिल होना है, नम्रता होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए। आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें से फर्क कि उसमें क्या फायदा है,
उसको जब हम धारण करेंगे उस क्वालिटी को तो क्या फायदा होगा. तो ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस है. मैं आपको देखती हूँ दीदी जी, आप रोज अभ्यास करते हैं. आपने जब कहा कि आपने गृह कार्य को प्रैक्टिस किया, आप हमेशा वर्णन करते हैं जो बाबा ने रहम दिल के बारे में की कहा और अव्यक्ति सिग्नल में रहम दिल. और मुझे उसको ज्यादा इस्तेमाल करना है तब मैं रहम दिल और क्षमावान बन सकती हूँ. दीदी जी का उत्तर है तब आप उसका फायदे को अनुभव कर सकेंगे, बेनिफिट को, तब वो उसका बेनिफिट फायदा भी श्रेष्ठ होगा. कैसे मुझे उसकी मदद मिली, वो सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना होगा. बाबा ने दो स्मृतियां हमें दी. जब मैं करणहार हूँ, बाबा करणहार हैं, मैं जब करावनहार हूँ तो मेरी कर्म इंद्रिया करावनहार हैं, तो मैं कौन से करावनहार की प्रैक्टिस करूंगी, या फिर साथ साथ चलना चाहिए. आप कैसे अभ्यास करती हैं दीदी जी? दीदी जी का उत्तर है स्मृति. मैं सोचती हूँ कि स्मृति होनी चाहिए. एक है कि बाबा का कर्तव्य कार्य को हमेशा याद रखना है. जब हम बाबा का टास्क करते हैं तो वो जिम्मेवार हैं, तो मैं कर रही हूँ, पर जो भी परसेंटेज मैं नहीं कर सकती, बाबा वहां मदद डालेंगे. मैं सिर्फ बैठ नहीं सकती पीछे कि करावन हार को कराने दो, मैं तो बैठ जाऊंगी. ऐसे नहीं, ऐसा नहीं चलता. अगर हम कहते हैं एक कदम लेंगे तो बाबा बहुत सारे कदम पदम पदम लेंगे साथ में. हम एक कदम लेते हैं तो बाबा ज्यादा स्टेप्स लेते हैं, कदम लेते हैं, बढ़ाते हैं. कोई कह रहे थे जब मैं देखती हूँ बाबा करावनहार है, स्वयं मैं करणहार हूँ, तो वो सहज स्मृति है. तो जब मैं करावनहार बनती हूँ, जब कर्म इंद्रियों द्वारा, तो अपने हाथों द्वारा, तो वो स्मृति मुश्किल है. And I agreed to her. I felt that is true. You know, become. But मैं उसको उससे सहमत हूँ जिसने मेरे से पूछा, क्योंकि मुझे ये कहना होता है कि इतने समय में मुझे ये समय खत्म करना है, तो कैसे. दीदी जी का उत्तर है ये अभ्यास है, बार बार ये अभ्यास है. मैं आंखों के थ्रू देख रही हूँ, देही अभिमानी कर्म करते हुए, देही अभिमानी अपने आप को याद दिलाती हूँ मैं आत्मा हूँ. आप कहो नहीं तो भी वो कर्म इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है, करते समय वो प्रत्यक्ष हो जाता है. तो फिर बाबा मेरे को करा रहे हैं. तो देही अभिमानी अगर हम सचमुच में अटेंशन पे करके करते हैं, ध्यान देते हुए, तो जो मेरे को कराता है वो, तो वो याद रखना सहज हो जाएगा. देही अभिमानी बहुत, देही सोल कॉन्शियसनेस बहुत महत्वपूर्ण है. हम लोग भूलते जाते हैं, हमें करना होगा तो उससे अभ्यास बनेगा. अगर आप करेंगे तो आपको पसंद आएगा, आपको अच्छी भावना आएगी, देही अभिमानी की अच्छी भावना आएगी, शांति, न्यारा, प्यारा, ये सारे अनुभव होंगे, तो ये इमर्ज होंगे. सार में हमें अभ्यास ज्यादा करना है. दीदी जी से प्रश्न है, महत्वपूर्ण एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ. एकदम सच्ची रहम दिल और सेल्फिश रहम दिल होने में क्या मतलब है? बाबा बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं. कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, जब दीदी जी का उत्तर है, जब कोई जो कुछ कहा जाता है उसको
स्वीकारते हैं तो आपकी दया है। अगर कोई बहुत हटी है, बहुत स्टबन है और वो बार बार वही करता है, तब आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं मर्सीफुल, दयावान होने में के लिए। तो आप उस आत्मा के बारे में भूल जाएं या छोड़ दीजिए, तो क्योंकि दूसरी आत्मा बिल्कुल ही अभ्यास कर नहीं रही है, पुरुषार्थ नहीं कर रही है। अगर हम अपने आप को अभ्यास करेंगे बदलने का, तो फिर दूसरी आत्मा बहुत खुशी खुशी स्वरूप में मुझे मदद हुई कि उससे मिलेगी। तो दीदी जी, बाबा ने मतलब भी रहम दिल से कहा, आपने 20 आत्माएं जब ब्रह्मा बाबा के पास आए थे, तो बाबा ने कहा आप कब जा रहे हैं। आप बहुत बार ये कहानी हमसे शेयर करते हैं, जब कोई बहुत अच्छा है पर ये भावना आ जाती है कि वो आत्मा बहुत अच्छी थी, तो हमें थोड़ी दया आती है कि वो सेल्फिश मर्सी है कि दया है कि। दीदी जी का उत्तर है, जब उनका पार्ट देखते हैं, जब उनका पार्ट खत्म हुआ और मैं चाहती हूँ कि वो कोई दूसरा पार्ट करें, तो आपको अंदर से दया आती है, रहम आता है। वापस उसी दुनिया में वापस जाना, वो कह सकते हैं कि एक तरीके से एक प्राकृतिक सहज रूप से नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं उनको करें। मुझे बुरा लग रहा है, दया मुझे आ रही है, क्यों वो इस रास्ते को चुन रहे हैं, वो ये देख नहीं रहे हैं कि वो इस रास्ते पे क्या क्लेम कर सकते हैं, इतनी विशेषताएं हैं, परंतु वो बाबा का हाथ छोड़ रहे हैं। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी, क्या मैं मतलबी हो रही हूँ उस क्षण में? क्या ये मतलबी रहम दिल होना है या फिर बिना किसी मतलब के हुआ, ये प्रश्न है। दीदी जी कहते हैं, ये मैं सोचती हूँ कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। आप अपने आप को दबाव दे रहे हैं रहम दिल होने के लिए, तो थोड़ा सा तो मतलब ही हुआ इस तरीके से कि ये सही कर्म नहीं है तो मुझे गुस्सा होना चाहिए, परंतु आप अपसेट होना नहीं चाहते। मैं होना नहीं चाहती, या वो फिर सेल्फिश हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के जैसे कहेंगे ओके आप जा सकते हैं, ऐसा कहना चाहिए? बाबा जानते हैं कि वो जाएंगे, वो उनको इससे इससे अच्छा कि उनसे गुस्सा हुए, उनको वरदान दो। बाबा कहते हैं ओके ठीक है, आप कब जा रहे हैं? तो एक तरीके से जाना तो उन्होंने है, तो शुक्रिया दीदी जी। एक आखिरी प्रश्न है, दीदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, थैंक यू। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है,
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। हम सबको गृहस्थ जीवन की बात कही हुई है ना, तो इसलिए गृहस्थ जीवन के अंदर नंबर वन पुरुषार्थी बनना हो ना, तो मैंने एक बार 1969 की बात है, 1969 में हमने एक कार कलकत्ता, उस जमाने में कार जल्दी नहीं मिलते थे, आज तो पैसा भरो और फॉरेन कार मिल जाती है, उस जमाने में तो क्यू लगती थी। तो हमने दो तीन साल पहले से बुक कराई थी, हम एम्बेसडर गाड़ी बॉम्बे में तो 8-10 साल के बाद मिलती थी, कलकत्ते में दो तीन साल में मिल जाती थी। तो हमने वहाँ कलकत्ते में गाड़ी बुक कराई थी और फिर सोचा था कि कलकत्ते से कार लेकर के घूमते घूमते सब जगह पर सेवा करते करते बॉम्बे आएंगे। तो जब जाना था तो मैं मधुबन आया तो अव्यक्त बाप दादा से विदाई लिया। तो मैंने अव्यक्त बाप दादा को कहा कि बाबा हमारे लौकिक परिवार हम लोगों ने कार बुक कराई है कलकत्ता, और वहाँ से कार लेकर के सब जगह पर ईश्वरीय सेवा करते करते यूपी बिहार ये सब जगह पर सेवा करते करते दिल्ली होकर के माउंट आबू होकर के बम्बई जाएंगे, करीब 1-1.5-2 महीना सेवा करेंगे। तो हमारे इस सेवा के इस टूर के अंदर सब जगह पर जाकर के कौन सा संदेश सबको दे जिससे सबका पुरुषार्थ नंबर वन हो जाए। तो नंबर वन पुरुषार्थ करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ सभी बच्चे करें? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने तुमको गृहस्थ जीवन में रखा हुआ है और तुम्हें आदर्श गृहस्थी क्या है तुमको मालूम है, तुमने आदर्श गृहस्थी का निभाया हुआ भी है। तो यही जाकर के सबको कहना कि मैंने सभी बच्चों को गृहस्थ जीवन में रहने के लिए तो कहा है, परंतु उनसे पूछना कि उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी है, नंबर वन गृहस्थी है। मैंने कहा बाबा वो तो सबकी नंबर वन ही गृहस्थी होती है, सभी पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा पवित्र तो सभी रहते हैं, परंतु पवित्रता के अंदर भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आदर्श गृहस्थी जो मैंने कही है इस प्रकार से है। तो मैंने कहा बाबा आदर्श गृहस्थी क्या है जो नंबर वन गृहस्थी हो जाए? तो बाबा ने कहा कि मैंने आदर्श गृहस्थी की डेफिनेशन परिभाषा बताई हुई है कि आदर्श गृहस्थी वो है जिसके अंदर 24 घंटा जो है ना, हाँ, एक दिन के 24 घंटे सबके लिए है, चाहे कोई अमेरिका रहता है, चाहे कोई भारत में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कहाँ भी रहता होगा, 24 घंटे का एक दिन है। तो बाबा ने कहा हुआ है भी सही आदर्श गृहस्थी के लिए, नंबर वन गृहस्थी के लिए, कि 8 घंटा शरीर का आराम आदि करने के लिए, नींद करना, भोजन करना, स्नान पानी करना, इसके लिए 8 घंटा, 8 घंटा शरीर के निर्वाह कमाई करना जो भी होता है, नौकरी धंधा आदि जो भी करो उसके लिए 8 घंटा, और 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से 8-8 घंटे का 3 डिवीजन करके 8 घंटा ईश्वरीय सेवा, 8 घंटा लौकिक कारोबार और 8 घंटा शरीर के लिए नींद आदि करना, इस प्रकार से व्यवहार करना, इसको कहते हैं बाबा ने कहा ये आदर्श नंबर वन गृहस्थी है। निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें।
ओम शांति अव्यक्ति परिवार 1969 से 1969 परिश्तों से रू रूहान ओम शांति ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 2 फरवरी 1972 जो सदा पाप को सम्मुख अनुभव करते हैं उन्होंने की सूरत पर क्या दिखाई देगा जिससे आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यह सदैव पाप के सन्मुख रहता है। जो साकार में भी सम्मुख रहते हैं उन्हों की सूरत पर क्या रहता है। साकार में सम्मुख रहने का तो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की वह अंतर्मुखी की झलक रहती है और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व समान की फलक रहती है। समझा समझा एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है। तो ऐसे सदैव ना सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे, हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे, ऐसे को कहा जाता है। अंतर्मुखी भी दिखाई दे, ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो जाएंगे। जब विनाश का काल आता है तो अज्ञानी भी पाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं लेकिन परिचय के बिना प्रीत जुट नहीं पाती। अगर अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत संकल्प व्यर्थ संकल्प व विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे। अगर यह स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, अंतिम जन्म है, नहीं अंतिम घड़ी है, यह याद रहे रहने से और भी याद नहीं आएगी, फिर ऐसे सदा प्रीत बुद्धि हो। श्रीमत के विपरीत तो नहीं चलते हो। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प विकल्प आते हैं तो क्या प्रीत बुद्धि कहेंगे। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले विजयी रत्न बन सकेंगे। विजयी रत्न बनने के लिए अपने को सदा प्रीत बुद्धि बनाओ, नहीं तो ऊंच पद पाने के बजाय कम पद पाने के अधिकारी बन जाएंगे। तो सभी अपने को विजयी रत्न समझते हो। कहां भी किस प्रकार से कोई साथ प्रीत ना हो
नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। कहां भी किसी प्रकार से कोई साथ भीख ना हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे लोगों को प्रदर्शनी में संगम के चित्र पर खड़ा करके पूछते हो कि अभी आप कहाँ हो और कौन हो, संगम पर खड़ा करके क्यों पूछते हो? क्योंकि संगम है ऊंचते ऊंच स्थान व युग। कल आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।